अरे मम्मी क्या कर रहे हो? लॉन्ग कूट रही। लॉन्ग क्या कर रहे हो? ये लॉन्ग कूट रही हूँ बेटा, ये देखो। बताओ गाइस, लॉन्ग कूट के और शहद, ये देखो डाल के, लॉन्ग कूट के। उसके बाद ना, जिस जिसको खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ना डाल के खाओ, शहद में डाल के अच्छा लगता है। देखो ओए पीछे से वो बिस्तर हटा अपना, वहां से उधर रख, ये बिस्तर हटा अपना। धुआं कितना हो रहा है घर में। तो हेलो गाइस, जय श्री श्याम, कैसे हैं आप लोग? आइए, बहुत ज्यादा अच्छे हम गाइस, हम लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। देखो मम्मी पता नहीं क्या करने लग रही है, ये शहद कूट रही है। और देखो घर में ये तसले वाला आग रख रखा है घर में, बहुत सर्दी लगी गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा। तो आखिरी किसी ने कमेंट किया था कि दीदी लौंग को और शहद को लेके और उसको कूटना, कूट के उसको अपने मुंह में रख लेना, मुंह में नहीं मतलब शहद में डाल के चाट लेना। हाँ, 2-3 बार चाटना दिन में, तो उतना ही करना जितना काम सारा कूट दिए। सारा एक काम करूंगी, इसको डब्बे में भर के रख दूंगी ना। तो गाइस उसी उसी की कुटाई चल रही है। और बहुत अच्छा कमेंट किया, थैंक यू सो मच जिसने भी किया, नाम तो पता नहीं है। अरे मेरी आंखों मत लग रहा है, बेकार है ये लकड़ी, ढक देते हैं। लग रहा है वैसे हम लोगों को बस की बात तो है नहीं आग में हाथ सेकना, पर क्या करें, ठंड इतनी हो रही है ना, बहुत ज्यादा लग गया मम्मी से। उठ के भाई, उठ जा चली। अरे बाप रे, तो गाइस कल है 22 तारीख, 22 जनवरी, और कल मनेगी छोटी दिवाली। तो सभी को एडवांस में हैप्पी छोटी दिवाली। आप ही बोलना चाहोगे दिवाली? छोटी दिवाली तो नहीं, कल बड़ी दिवाली। हाँ कल बड़ी दिवाली, हैप्पी आज थी छोटी दिवाली। तो गाइस आज छोटी दिवाली थी, कल बड़ी दिवाली है, सबको हैप्पी बड़ी दिवाली एडवांस में। आप बोलना चाहोगे? आप बोल दी, हमने बोल दी, बात गाइस राम जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बट हमारी तबीयत तो हो रखी है खराब गाइस, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि 10 दिया घर में जला दें। आप लोग भी जलाना, 10 दिया 10-20 दिया इधर जला देंगे, 10-20 दिया पार्लर पे जलवा देंगे, 21 जला देंगे ना, 21 या 11 या 5। आप लोग कमेंट बताना कितना कितना जला। आप लोग भी अपने अपने घरों में दिया जलाओ गाइस, बहुत खुशी की बात है। इधर तो तबीयत ही सही नहीं है गाइस, कम से कम 5-7 दिन हो गया मेरे ना, जुकाम खांसी। और गाय खांसी करती हूँ, इधर तो दर्द होता ही होता है, पीछे भी दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे, रीन की हड्डी में यहाँ भी दर्द हो रहा है। आगे यहाँ का कनेक्शन पीछे से ही तो होता है, इतना भयंकर दर्द हो रहा है गाइस, क्या बताऊ मैं। एक मेरी फ्रेंड है कुसुम, उसने बोली नीलम दीदी लौंग ले आके और उसको थोड़ा सा शहद डाल के चाटो दिन में 3-4 बार, इसीलिए गाइस मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। और उसने बोली उपला जला के और आग के पास ही बैठे रहो एनी टाइम, गरम गरम 3-4 कपड़े पहन रखी हूँ गाइस, कितनी मोटी लग रही। देखो आपने तो मेरा पोल खोल दिया। क्यों? मैंने बोला था किसी ने कमेंट किया, अब आपने बोल दिया, आपकी दोस्त ने बोला। नहीं कमेंट भी किया गया, जब दोस्त ने भी बोली थी मेरी कमेंट, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर मैं थोड़ा सा मुझे जुकाम भी आ जाए ना गाइस, तो मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी प्यारी है, नजर ना लगे किसी का, वो जरूर कुछ ना कुछ कह ही देते कि दीदी ये करो वो करो। थैंक यू बाबू, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत। तो गाइस किसी ने कहा था कि राम आएंगे तो क्या मनाऊंगी, दिवाली मैं मनाऊंगी। जब गाइस राम जी आएंगे तो दिवाली मनाने का मौका मिलेगा ही नहीं, है ना? क्या लगता है कल आ जाएंगे राम जी? क्यों नहीं आएंगे? किसी ने ये भी, किसी ने ये भी वीडियो बना के डाल रखी है कि क्या कहते हैं कि इतना पैसा मोदी जी ने राम मंदिर बनवाने के लिए लगवाया, हाँ है ना, और वहां पे इतना इतना इतना, अगर स्कूल खुलवा देते, अगर हॉस्पिटल बनवा देते तो कितना वो होता। तो गाइज इसके लिए किसी ने उसको आंसर दिया है कि जो जो नीचे का फ्लोर बनाया ना, वो तो दान में बनाया, किसी पता नहीं कितने बड़े बड़े एक्टर लोगों ने कितने कितने करोड़ रुपए दिए, और क्या इतने करोड़ दे दिए कि दूसरी मंजिल का ही पैसा उसी में आ गया था। हाँ बहुत लोगों ने मतलब काफी एक्टरों ने गाए, किसी ने 5 मिलियन, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख, कोई 7 करोड़, ऐसे ऐसे लोग मतलब काफी एक्टरों ने दिए गाए जब जाके राम मंदिर बने। वैसे तो मोदी जी भी ने काफी सपोर्ट किए है, बट गाइस जो भी हम लोग थोड़ा बहुत ये है कि टीवी में और उसमें देखते रहते हैं ना, न्यूज में देखते रहते हैं ना। और मैंने वीडियो बना रखी है वो वाली,
कौन सी की क्या नाम है, जाके ताजमहल क्यों देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके एक वीडियो डाल रखी है मैंने, आप लोग देखना जाके। तो कोई मुझे पता है क्या कमेंट कर रहा है, क्या तुम हिंदू हो तो क्या हुआ, तो तुम क्या मुसलमानों की बुराई करोगे। बताओ हमने कब बोला कि ताजमहल जाके देखो, अंग्रेज लोग देखने आता, हमें पता है हमारे देश में हम भी देखने जाते हैं ताजमहल। ऐसा नहीं है, देखो हम लोग अरे बुराई नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे, वो तो पीछे से ऑडियो बन के आई तो हमने ऐसे ब्यूट कर दिया उसपे। हाँ हमने तो गए, हम भी तो गए थे देखने, आगरा गए थे ताजमहल देखने के लिए। ऐसा देखने की चीजें देखने चले जाते हैं, फिर हम किसी के लिए बुराई, ना हिंदू को बुरा करते हैं ना मुसलमान को, सब सब एक ही, हम तो एक ही मानते हैं सब। और क्या, हमें किसी से कोई बैर नहीं है गाइज, आप लोग प्लीज ऐसे दिल पे मत लिया करो इतनी ऐसे। अरे कमेंट पीछे से ऑडियो आ रही है तो हमने बना दिया। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे भाई ऐसे कमेंट मत किया करो, मुझे बुरा लग जाता है बहुत। थोड़ा सा चाट के लिखा, सेहत लिया थोड़ा सा, सेहत गाइस पता है पार्लर पे क्या हुआ, कल मैंने झंडा लेके आई थी तीन और लगा दी थी, और वीडियो बना के डाल रखी है देखना आप लोग। और गाइस बताओ झंडा उठा के ले गया कोई, हमारे छत पे से झंडा चोरी हो गया, बताओ झंडा कोई उठा के ले गया गाइस, कहाँ रखी थी यार ते? देखो यहीं पे पन्नी रखी हुई थी अभी, शायद पन्नी है वाला, और दूध नहीं उबा लीजिए, देख दूध में ये सारा दूध गिर गया, देख बताओ नहीं है उसको ना बैठने की लग रही है बार बार। कहाँ पे रखा देख, बता तो सही कहाँ रखी है, यही तो रखा था आगे, यहाँ पे हटा के देख लिया, सब हटा के देखियो जरा, किचन में देख, किचन में लटका होगा, बैठने की लग रही है पता नहीं क्या, दे नहीं रही हो क्या, बैठने की लगी है, साइड में रख ले, देख रहे हो मम्मी दूध गिर जाए कैसे कर रही है, देख रहे हो लगी नहीं है, गिर जाएगा, चटका दो पकड़ के, कितना बड़ा है ये शहद का डब्बा, चटका दो चटका दो, देखो ये बलाई गाइज, और हल्का सा इसको उसमें डाल के ना थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि ना गाइज मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और गाइज सही है अच्छा नुस्खा ये देखो, वैसे सबसे अच्छा स्टीम भी ले लेना ही करने के बाद, नहीं मेरे बस की नहीं स्टीम का, मेरे बस की बस अभी नहीं, स्टीम ले लेना आप, स्टीम में डाला पड़ा है सब कुछ, थोड़ा सा मिक्स डालना बस, बस की नहीं है मेरे मम्मी, ले लेना ना स्टीम, उससे रात भर में बहुत आराम मिला था आपको, फिर मैं ले लूंगी आप पकड़ लेना। गाइस स्टीम से मम्मी को इतना आराम मिला है ना पूछो मत, मिला है ना मम्मी, ये देखो इतना सा लेके, ये लौंग का कूटी हो ना भी, मैं सोच रही थोड़ा सा सेब डाल दो इसमें, ये देखो अभी बच्चों बहुत ज्यादा हो गया, तो कब सिरप बना दिया आपने, तो कुछ ज्यादा ज्यादा ही हो गया गाइस, चलो कोई नहीं तुम खाओगी, ना मैं ना खा रही, तुम खाओ, आप खाओगे गाइस, ले लो थोड़ा सा, जिस जिसको खांसी टपक गया टपक गया, और जुकाम जिस जिसको ये ले लो आप लोग खाओ, कोई मत खाओ मैं खा लेती हूँ गाइस, क्या कर रहे हो, ज्यादा ही हो गया ये बात, कैसा लगा, कड़वा लग रहा थोड़ा सा, कड़वा तो होता है, अभी रात भर में आपकी जितनी भी अंदर की अकड़न जकड़न वो है सब ठीक हो जाएगा उस। आज बहुत ज्यादा जलन हो रहा, ना ना मैं ना लेती, थोड़ा और ये चाट लेती हूँ, बापरे मेरे बस की ना है, छाती में तो बहुत ज्यादा एकदम चीज समझ रही है मुंह पे जी में, ये बहुत कड़वा होता है लौंग, और आपने पिसा हुआ ले लिया आधा चम्मच, कैसा लगा, कैसा लगेगा बेटा, कैसी बात कर रही है, चवनप्राश जैसा लग रहा होगा टेस्ट, पूरा गाइस पता पूरा मुंह लॉन्ग लॉन्ग हो गया, कलेजा वलेजा, अभी काम करो स्टीमर का बटन लगाओ और उसमें बस लग जाओ, नहीं यार ये सब बस की नहीं है, थोड़ा सेहत देना कैसा है, सेहत तो बढ़िया, चाट दे, हाँ सेहत तो मीठा है, वैसे भी चाट लेना चाहिए सेहत को, अच्छा है, इसमें गाय जो कूट रखी हुई गाय इसमें रख ले, दिन में तीन चार बार तो ले लूंगी, जल्दी सही पन्नी में दोनों को डाल लो एक में, क्योंकि मैं पूरे दिन रहती हूँ गाय, चम्मच में सीधा डाल लेना अपना,
पार्लर पे रहती हूँ पूरे दिन, प्लॉट पे। अभी प्लॉटिंग का काम हो रहा है क्योंकि नया मकान है और उसमें इतनी सर्दी लगती है मुझे अब से। मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाने की, वहाँ पर आप लोगों का किसी का कमेंट ही नहीं आया कि ब्लॉग बना दो। अब कमेंट नहीं करोगे तो ये वीडियो बना रहे, आप लोग कमेंट में बताना गाइस कि पार्लर का टूर करवाया, पूरा वीडियो दिखाया कहाँ तक बन चुका है। हाँ, तो हम जरूर कर देंगे। हाँ, मेरे को आंटी बोली थी ये खा के तुरंत मुंह ढक के सो जाना नीलम दीदी। हाँ, अब ये बाहर है ना बिल्कुल। हाँ, अब वो ले लो आप थोड़ा सा है, झूठा कर दिया आपसे। नहीं, मेरे को तो खाना गाइस, मैं तो कल तक मैं सारा साफ कर दूँ फिर दूसरा ले आऊंगी। सारा झूठा कर दिया, मैं क्या खाऊंगी अब। अच्छा, मेरी माँ के झूठा नहीं खाना चाहिए। मैं क्या खाऊंगी अब, मैं क्या खाऊंगी, देख लो गाइस। एक चम्मच डाली लो, चम्मच डाल लो। चम्मच डालना बहन, ये मेरा चीज है, मैं झूठा करो कूठा करो, ये तो मेरे को खाना, कल प्लॉट पे लेके जाऊंगी मैं इसको। टंगे पे टंग दो। और माँ का ना चरण धो के पीना चाहिए औलादों को, जो माँ की गुण थोड़ी औलादों में आ जाए। ऐसे बिना बिना चप्पल के घूमते रहते हो और क्या। बिना चप्पल के घूम तभी तलवा धो के पीना चाहिए। हाँ। ठीक है, उसको पिला देना, वो देखो बैठी है। साथ रहना। उसको दे देना। वहां लड़की पड़ी तो जीने पे। गाइस, हमारे गांव में पता है बड़ी बूढ़ी, जब जैसे कि बड़ी बूढ़ी की डेथ हो जाती थी गाइस, जैसे कोई 80 साल का, कोई 100 साल की, ऐसे डेथ हो जाती थी, तो हम देखते थे हमारे दादा दादी नाना नानी पता क्या करते थे। अब उनका जैसे चरण तो छूते ही थे जाके, फिर गाइस पहले के जमाने में लोग उनके पैर में जितने भी गंदगी होते थे उनको धो के और सब पी जाते थे गाइस। अच्छा। हाँ बेटा, उससे क्या होता है अब ये नहीं पता क्या होता है, ये तो गाइस लोग बताएंगे कि उनको पीने से क्या होता है। मेरी नानी लोग तो ये कहती थी कि उनका आशीर्वाद हमारे शरीर में और हमारे जैसे कि मतलब अंदर में उनकी भावना, उनका पता नहीं क्या क्या आ जाएंगे, ऐसा कुछ हमारी नानी लोग, नाना नानी दादी लोग बोलती थी। बाप रे, मेरे बाल की अमन, खोल देना, बाल गीले हैं। तो गाइस आप कमेंट में बताना जो चीज मैं बोली उसका जवाब, आप लोग जो जो भी जानते हो खोल दो मेरे, जरूर जवाब देना गाइस आप लोग। ठीक है ना, क्लेचे से तो मेरे दर्द ही हो जाता, देखना बाल कितने पतले हो गए मेरे। ठीक है, धीरे धीरे, अभी ठंडी भी है ना ज्यादा, तो इसी वजह से दूसरों की केयर करते करते हमारे बाल पतले हो जाते हैं। तो गाइस क्या ही बोले, चार बाल बचे हैं, खत्म जिंदगी। चल ठीक है, मैं सोने जा रही हूं। तब देखो यही रखा हुआ है, इसे बटन लगाना, चलो दो मिनट का ले लो। गाइस आप लोग भी अपने अपने घरों में कल दिया जलाना, हम तो जलाएंगे ही जलाएंगे। देखो कैसे खसक धसक वाली खांसी आ रही है। हां, खसक वाली। गाइस पता, जब पहले खांसती थी ना तो यहाँ छाती में बहुत दर्द होता था, मगर अब तो ही दो दिन से, जैसे जब से भाप ली हूँ ना, उठ के चलो आ जाओ आ जाओ। ये मैं सुबह ले जाऊंगी, इधर टांग दो, सुबह ले जाकर बता कि इसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी घर के बाहर। हटाओगी, देख रहे हो, मैं फेंक के मारूंगा, हटाओ। देखो क्या कह रही है, देखो चप्पल उठा रही है, देखो मैं क्यों मेरे काम की पंगे ले रही है। ये पंगे लेने वाली चीज है, टीवी चलाएंगे अभी, ये भी इधर का तार निकाल लेते, दे दे वो कर दे। बिक्स का है, बिक्स का है, बिक्स को पता नहीं, दे दो बिक्स, इसको खोल के पहले बिक्स डाल देना। तो गाइस मम्मी बात में डाल लो, आरती ये टीवी में थोड़ा वो आता है, थोड़ा इधर कर, पीछे इधर करके कर लो, करंट तो नहीं आ रही, करंट है अभी ऑन है, नहीं है ऑन अभी। टीवी खराब हो जाएगी ना। उधर लोगे क्या? हाँ उधर ही ले लो, फालतू में खाऊंगा। एक तो एक साल में ठीक हुई है टीवी जाके, मम्मी के चैनल पे ब्लॉग बना हुआ है गाइस, जब हमने टीवी ठीक करवाई थी। मेरे पूरे सर में पता नहीं क्यों दर्द सा हो रहा है मम्मी। बेटा पूरे दिन तुम बाल को वो कर रहे थे, बिस्तर को कहाँ फेंक के गई है, बिस्तर ऐसे मत कर ना मम्मी की, मोड़ दे गाइस। मम्मी यहाँ पे लेंगी अपना स्टीम मैट को, पहले के जमाने में ऐसे रखती थी टॉपी अपने। चलो डालो बेटा, कर दो, चला दो चैनल, चैनल तो चल ही रहा है, गाइस थोड़ा देर ले लेती फिर सो जाऊंगी मुंह ढक के। ये चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसमें? टच मत करना इसको बिल्कुल भी, करंट भी लग सकता है, फेंक सकता है उठा के, थोड़ी देर आने दो।
गाइस आप लोग भी जैसे छोटे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो ये चीज जरूर रखा करो। वैसे आरती पार्लर में रखती है और पार्लर से उठा के मैं घर में ले आऊं, क्योंकि गाइस कम से कम 8-10 दिन हो गया मुझे। निकाल लो, 8-10 दिन हो गया गाइस, निकाल लेगी ना, देखो ना, 8-10 दिन हो गया गाइस मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, फिर भी मैं उठ उठ के जा रही हूँ प्लॉट पे, क्योंकि गाइस ऐसा प्लॉट पे नहीं जाऊंगी, ठेके पे दे रखी हूँ काम पर, उनके साथ खड़े होके काम करवाना मुझे अच्छा भी लगता है, बाकी फिर सामान भी वेस्ट नहीं होता गाइस, नहीं तो अपने मन मर्जी काम करते हैं। तो विक्स की खुशबू यहाँ तक आ रही, मेरी नाक खुल गई, थोड़ा मुंह दूर रखना, इसको टच मत करना, करंट भी आता है इसमें, पानी है ना ये पानी वाला। तो गाइस मैं भी ले लूंगी अभी भाप, क्योंकि गाइस बिना भाप के तो कुछ नहीं है। भूख भी लग गई बहुत तेज। तो गाइस आज हमने बनाया है, क्या बनाया आज हमने, हमने बनाया राइस एंड मखनी दाल। हाँ, आता मखनी दाल बनाने हैं, झूठ क्यों बोलती है, दाल बना के मक्खन डाल दो, दाल बना के मक्खन डाल दो। गाइस कमेंट में बताना आप जरा, दाल बना के मक्खनी डाल दो, देखो मक्खन डाल दो, सुनो तो मक्खनी दाल उसी को तो कहते हैं, दाल बनाओ और उसमें मक्खन डाल दो, देखो आराम से खांसी है ना, आराम बहुत बुरी हालत है, इसलिए मैं बोल रही थी आप ले लो उसको स्टीम को, वो क्या गुडरू गुडरू कर रही है, लल्लो कर रही है साइड में बैठ के, हजार थी तू भी अंदर घुस जा है, ये ब्लॉग कौन बनाएगा, कोई नहीं बाहर से बना लेंगे ना, आओ नीचे दिखाओ, जरा नीचे दिखाओ ना नीचे, हाँ ऐसे मैं जन दोनों माँ बेटी ले रही है, देखो नीचे दिखाओ नीचे, हाँ ऐसे सीख तो रही है, हाँ आप भी आ जाओ गाइस, आप भी ले लो, ज्यादा उधर रख रखे मेरे झुकना पड़ रहा सारा, रुको थोड़ा सा हल्का सा, नहीं मारेगा करंट भैया, कुछ ना पता है इसका, फेंक के मार देगा फिर क्या, चलो देखो आप भी ले लो गाइस, आप भी ले लो, वाओ गाइस बहुत अच्छा लग रहा, पता आपको मिक्स की महक आ रही है गाइस, हां रैक घुस गया, फेस पे स्किन भी लग जाता है इससे ना ग्लो भी हो जाता है चेहरा गाइस, फेशियल करवा के उसके बाद ना चेहरा ग्लो, भूत वाओ, विक्स की तरह डालते विक्स आई ना रही है गाइस, ऐसा लग रहा है मैं भूत, विक्स नहीं डाले थे क्या इसमें, वाओ विक्स की खुशबू ना आ रही, आरती मैं तुझे खाऊंगी, बहुत बार से गुड्डा देख रहा लाल भाई, जो गुड्डा दिख रहा है गुड्डे में आत्मा खात्मा, आरती को पकड़ो पूजा लाली को, मम्मी इसमें बिक्स नहीं है बेटा, बिक्स खत्म हो विक्स नहीं है इसमें भाई, गुड़िया जैसी खांसी हो रही है, क्या फायदा विक्स नहीं है, खाना का चल रहा है स्टीमर, विक्स दो, विक्स खत्म हो गया टाइम पे, बस कर हो गया, बहुत पता की लाल लाली दवाई ले रहा हूँ, जल्दी ले जाओ, हो गया गाइस हो गया, ले लिए और बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा, आप लोग भी लिया करो, 18 मिनट की वीडियो बन गई गाइस, आप लोग स्किप मत करना, अब गाइस मैं जा रही हूँ खाना लेने गाइस, और आप लोग कमेंट भर भर के कर दिया करो जब भी ब्लॉग डालते हैं आप लोगों, क्योंकि आप बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं इसीलिए, और गाइज जल्दी सही हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती गाइज, शाम दिन भर तो लेवल मिस्त्री के साथ सही रहती, शाम को मेरी आंखें लग रहा है ही ना, देखना घर आते गाइज मैं बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना खांसी ने मेरे को तोड़ दिया अच्छी तरीके से, खत्म कर दिया, और कमर भी ऐसा लग रहा है गाइज, पीछे की जो हड्डी होती है ना जहाँ से बैठते हैं वहाँ की हड्डी पुल्ला ऐसे टूट गई है गाइस, ऐसे टूट गई है गाइस, पीछे की जो हड्डी नहीं होती जहाँ से पोटी निकलती है वो हड्डी तो गई मेरी काम से, वो जिन्हें बैठ बैठ के सूजा पड़ा ठंडा, इतना बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है वो हड्डी है ही नहीं उस जगह। चलो ठीक है गाइस बाय, कल मिलते हैं राम जी के साथ।
ठीक है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ठीक है भाई। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ खाना लेने। सारे बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ठीक है, राम आएंगे आएंगे आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। तो गाइस इसी के साथ वीडियो कर रहे हैं हम एंड। आप लोग स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और कमेंट में बताना कि आपको मेरा नया घर देखना है, तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और गाइस कल सभी भाई बहन, माता बहन, मेरी यूट्यूब फैमिली, प्यारे प्यारे सब सब मिलके जोत जलाना, राम जी को स्वागत करना हम भी करेंगे और हम सब मिलके करेंगे राम जी का स्वागत। और बहुत खुशी की बात है, कल वीडियो भी बनाऊंगी बहुत सारे शाम के टाइम। और अपने अपने घरों में एक जोत इतना बड़ा जलाना गाइज, 80 लाख का, हाँ बड़ा वाला, सबसे बड़ा, छोटे छोटे तो जलेगा ही, उसके साथ बड़ा बड़ा जोत भी जलाना जो पूरी रात जले। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो कर रहे हैं एंड। और आरती को नींद आ रही है, हैप्पी हैप्पी। मेरे को भूख भी लग रही है बहुत तेज। ठीक है गाइज, रखते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे रानी की जय हो, जय हो।